नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मध्यश्रा और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार हिंदी न्यूज चैनल, जो रखता है ना समाज के हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश और प्रदेश की खबरों के साथ आपके समाज आसपास की घटनाओं से हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर। ट्रेन की चपेट में आकर दो किसानों की मौत, शव देख बेहाल हुए परिजन। यूपी के उन्नाव में अलग अलग स्थानों पर ट्रेन की चपेट में आकर दो किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। खबर विस्तार से है। उन्नाव जिले में अलग अलग स्थानों पर ट्रेन की चपेट में आकर दो किसानों की मौत हो गई। माकी थाना क्षेत्र के खेत जाने के लिए ट्रैक पार करते समय किसान हादसे का शिकार हो गया, जबकि दूसरा किसान मवेशी बचाने में अपनी जान गंवा बैठा। माखी के मोहल्ला मचखोरिया निवासी इंदुआ 75 साल खेती कर परिवार का पालन पोषण करते थे। शनिवार सुबह 8 बजे घर से खेत जाने के लिए निकले थे। रेलवे लाइन पार करते समय वो बालामऊ से कानपुर की ओर जा रही बालामऊ पैसेंजर की चपेट में आ गए। मौके पर ही इनकी मौत हो गई। हादसा देख आसपास खेतों में काम कर रहे किसान आए और परिजन के साथ पुलिस को सूचना दी। मौत की खबर घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। पति की मौत पर पत्नी फूलमती और 4 बच्चों में एक बेटा और 3 बेटियां बेहाल है। थाना अध्यक्ष राम आश्रय चौधरी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। इसी प्रकार सदर कोतवाली के गांव पहली खेड़ा निवासी किसान रामविलास यादव उम्र 50 साल शनिवार सुबह मवेशी चराने के लिए निकले थे। भैंस चराते चराते उन्नाव रायबरेली रेलमार्ग के ट्रैक पर पहुंच गई। सुबह करीब 9 बजे उन्नाव की ओर से जा रही मालगाड़ी को आता देख रामविलास भैंस को भगाने पहुंचे। भैंस तो वहां से हट गई, लेकिन वो ट्रैक नहीं पार कर पाए और मालगाड़ी की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। मृतक की बहू रेखा ने बताया कि पति संजय मुंबई में प्राइवेट नौकरी करते हैं। उन्हें सूचना दी गई है। मृतक की 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। पत्नी की भी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। कोतवाल राजेश पाठक ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से किसान की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरपीएस समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव।